हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल के किचन गैजेट्स के बारे में जो कि आपकी किचन लाइफ को और भी आसान और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एप्पल पीलर। इस छोटी सी मशीन को बनाया गया है एप्पल को छीलने के लिए। ये मशीन कुछ ही सेकेंड में एप्पल को छील सकती है। एप्पल को सबसे पहले इसके स्टैंड पर फिक्स कर दिया जाता है, फिर इसके पीछे लगे हैंडल को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया जाता है। यहाँ आगे की तरफ एक कटर भी लगा होता है जो कि हैंडल के साथ साथ घूमने लगता है, और ये कटर घूमते हुए पूरे एप्पल का छिलका काफ़ी आसानी से उतार देता है। एप्पल के छिलने के बाद इसके एक बटन को प्रेस करके इसे स्टैंड से उतार लिया जाता है। ये है मस्क मेलन स्लाइसर। ये एक राउंड शेप स्लाइसर होता है जिसके दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े फलों को काटने के लिए किया जाता है। फल को काटने से पहले इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा हटा दिया जाता है ताकि स्लाइसर को चलाने में थोड़ी आसानी हो। फिर इस स्लाइसर को फल के ऊपर रखकर जोर से दबा दिया जाता है जिससे फल एक बार में ही पूरा कट जाता है। ये स्लाइसर फल को एक बार में ही पूरा काट देता है जिससे फल को बार बार काटने का झंझट खत्म हो जाता है। और ये स्लाइसर मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट साइज में अवेलेबल हैं। ये है वाटरमेलन स्लाइसर एंड बेलर। वाटरमेलन को राउंड और क्यूब शेप में काटने के लिए दो अलग अलग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। वाटरमेलन को छोटे छोटे क्यूब शेप में काटने के लिए इस रोटेटिंग ब्लेड स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस टूल को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इस पर लगा रोटेटिंग ब्लेड इसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाता है। इस टूल को चलाना काफ़ी आसान है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं वाटरमेलन बेलर की। वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए इस बेलर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेलर पर एक हाफ सर्कल चम्मच लगा होता है। जब इस बेलर को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इसे 180 डिग्री घुमाना होता है, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से इसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है जिससे वाटरमेलन बिल्कुल राउंड शेप में निकलता है। इस तरह से इस टूल के इस्तेमाल से वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाई जा सकती है। ये जो दोनों टूल थे इनका काम था वाटरमेलन को स्टाइलिश शेप में काटना, और जब वाटरमेलन को नॉर्मली काटना होता है तो इसके लिए एक स्पेशल टूल बनाया गया है जिसे कहते हैं वाटरमेलन कोरर। ये टूल वाटरमेलन के अंदर घुमाते हुए चलाया जाता है जिस वजह से ये टूल वाटरमेलन को पतली पतली स्लाइसेस में काटते जाता है। और जब वाटरमेलन की सारी स्लाइसेस कट जाती है तो इसी टूल का इस्तेमाल इसे उल्टा करके वाटरमेलन की स्लाइसेस को बाहर निकालने में किया जाता है। ये है चेरी स्टोनर। इस मशीन को बनाया गया है चेरी से उसकी गुठली को अलग करने के लिए। ये मशीन एक सिंपल से मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके ऊपर वाले कंटेनर में चेरी रखी जाती है जो कि एक एक करके नीचे आती रहती है, और यहीं बीच में एक हैंडल लगा होता है जिसे प्रेस करते ही चेरी से उसकी गुठली अलग हो जाती है। अलग हुई गुठली ऑटोमेटिक इसके नीचे वाले कंटेनर में इकट्ठा होती रहती है और चेरी को बाहर एक अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये है पाइनएप्पल कोरर। ये एक कमाल का टूल है जिस पर एक स्पाइरल ब्लेड लगी होती है। इसमें सबसे पहले पाइनएप्पल को ऊपर से काट दिया जाता है और इस टूल को घुमाते हुए धीरे धीरे पाइनएप्पल में घुसा दिया जाता है। और जब यह टूल पाइनएप्पल में पूरा अंदर चले जाता है तो इसे वापस से इसी तरह घुमाते हुए बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये टूल काफ़ी आसानी से पाइनएप्पल का पूरा कोर बाहर निकाल देता है। फिर इस टूल के हैंडल को ऊपर से हटाकर पाइनएप्पल को एक प्लेट में निकाल लिया जाता है। फिर इसके बीच में एक कट लगा दिया जाता है जिससे ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। यह है पोमीग्रेनेट स्लाइसर। ये अनार के दाने निकालने का एक छोटा सा टूल है। इस पर सबसे पहले अनार को रखकर इसे गोल गोल घुमाते हुए इसके छिलके को काट लिया जाता है, और फिर हाथ में लेकर इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर इस टूल को एक कंटेनर पर रखा जाता है और इस पर अनार के एक पीस को उल्टा रख दिया जाता है। फिर एक बड़े चम्मच के बैक साइड से इसे धीरे धीरे पीटा जाता है। थोड़ी देर इसी तरह मारने के बाद अनार के सारे दाने इसके नीचे लगे कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं। यह है क्लेवर कटर। फल और सब्जियों को काफ़ी जल्दी और सुरक्षित तरीके से काटने के लिए इस क्लेवर कटर को बनाया गया है। ये क्लेवर कटर चॉपिंग बोर्ड और एक चाकू का मिक्सर है। इन दोनों को मिलाकर इसे एक सीजर का आकार दिया गया है। इस क्लेवर कटर को कैंची की तरह बिल्कुल आसानी से चलाया जा सकता है और बेफिक्र होकर फल और सब्जियों को काफ़ी जल्दी से काटा जा सकता है। यह है बवेरियन एज। ये एक नाइफ शार्पनर टूल है जिसका इस्तेमाल चाकुओं को फिर से धारदार बनाने के लिए किया जाता है। हर किचन में ये टूल होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद हर चाकू की धार कम होते जाती है। स्टील के बने इस छोटे से टूल में टंगस्टन कार्बाइड की दो रोड को क्रॉस पोजीशन में लगाया गया है। इन रोड्स के बीच में चाकू को दो तीन बार घुमाने से उनकी धार को फिर से तेज किया जा सकता है। इस टूल की मदद से किसी भी तरह के चाकू को फिर से धारदार बनाया जा सकता है। यह है डिश वैंड। ये काफ़ी स्मार्ट डिश वॉशिंग टूल है।
इसके इस्तेमाल से बर्तन धोने में काफ़ी आसानी रहती है। इसमें आगे की तरफ एक ब्रश लगा होता है और पीछे की तरफ एक बोतल। इस बोतल में थोड़ा सा सोप और पानी मिलाकर इसके ढक्कन को पीछे से बंद कर दिया जाता है। फिर जब बर्तन धोते हैं तो बोतल से साबुन धीरे धीरे इस ब्रश में आते रहता है। इस वजह से बार बार बर्तन को साबुन लगाने की झंझट खत्म हो जाती है और बर्तन को काफ़ी आसानी से साफ़ किया जा सकता है। यह है हर्ब कटर। ये एक छोटा सा चॉपिंग टूल है जिसमें कि बहुत ही शार्प रोलिंग ब्लेड्स लगी है। इन ब्लेड्स को इस टूल से अलग भी किया जा सकता है। इस टूल का इस्तेमाल हरे पत्ते वाली सब्जियों को चॉप करने के लिए किया जाता है। इस टूल की मदद से धनिया को गार्निश के लिए जल्दी से रेडी किया जा सकता है। इस टूल को चलाना काफ़ी आसान है, बस इसके हैंडल को पकड़कर इसे सब्जी के ऊपर आगे पीछे चलाना होता है और सब्जी इसके रोलर के नीचे आके कटती जाती है। ये है हैंडी मिनी चॉपर। ये एक छोटी सी वेजिटेबल चॉपिंग मशीन है जिसकी मदद से सब्जियों को छोटे छोटे पीसेज में काफ़ी आसानी से काटा जा सकता है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में सब्जी डालकर इसे बंद कर दिया जाता है। फिर इस पर लगे हैंडल को बार बार पुल किया जाता है। इसके हैंडल को बार बार पुल करने से इसके अंदर वाला कटर घूमने लगता है जिससे सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये एक काफ़ी सिंपल और टाइम सेविंग टूल है जिसकी मदद से सब्जियों को काफ़ी जल्दी से काटा जा सकता है। यह है पी शेलर हैंडी। इस मशीन को बनाया गया है मटर से उसके दानों को निकालने के लिए। नॉर्मली हाथों से मटर को छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन यह मशीन इस काम को काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग बना देती है। इस मशीन में आगे की तरफ से मटर को एक एक करके डाला जाता है और एक हाथ से इसके हैंडल को चलाया जाता है। जैसे ही मटर इसके दोनों रोलर्स के बीच से गुजरता है तो इसके दाने ऑटोमेटिक ही निकल जाते हैं और ये दाने आगे लगे कंटेनर में इकट्ठा होते रहते हैं। यह है स्पायरलाइजर। ये एक कमाल की मशीन है। इस मशीन की मदद से फलों को सलाद के लिए स्पायरल शेप में काटा जाता है। जिस भी चीज़ को स्पायरल में काटना होता है उसे इस मशीन के बीच में अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। फिर इस मशीन के हैंडल को घुमाना शुरू किया जाता है जिसके बाद में ये मशीन इसका स्पायरल बनाना शुरू कर देती है। इस मशीन में और भी तरह की ब्लेड्स दी गई हैं जिनकी मदद से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पायरल बनाए जा सकते हैं। किसी भी चीज़ को इस मशीन में लगाकर उसका स्पायरल काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। यह है विस्क वाइपर। ये एक हैंड ब्लेंडर टूल है। इसका इस्तेमाल डिशेज बनाते समय उनके इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें लगा वाइपर इसे नॉर्मल ब्लेंडर से अलग बनाता है। ये सिलिकॉन वाइपर इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद ब्लेंडर और बर्तन पर लगे इंग्रेडिएंट को काफ़ी आसानी से क्लीन करने में मदद करता है। ये वाइपर इस्तेमाल किए हुए बर्तन को 95% तक क्लीन कर सकता है। ये है पेंगुइन टी टाइमर। ये एक स्मार्ट डिवाइस है जो कि आपके काफ़ी काम आने वाली है। जिन लोगों को टी बैग वाली चाय पीना पसंद है उनके लिए ये पेंगुइन टी टाइमर काफ़ी काम का है। जब कभी भी टी बैग वाली चाय बनानी होती है तो टी बैग को इस पेंगुइन के चोंच में लटका दिया जाता है और इसमें टाइमर सेट कर दिया जाता है। जैसे ही सेट किया हुआ टाइम पूरा हो जाता है तो इस पेंगुइन का अलार्म बज जाता है और ये पेंगुइन उस पैकेट को बाहर निकाल देती है जिससे पानी में चाय एकदम सही मात्रा में घुल पाती है। ये है ऑटोमेटिक स्टीर। कई डिशेज ऐसी होती है जिन्हें बनाते समय लगातार चलाना होता है। इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिवाइस को। अगर किसी भी चीज़ को जलने या चिपकने से बचाना है तो इस डिवाइस को ऑन करके पैन में डायरेक्टली रख दिया जाता है। ये डिवाइस उस पैन में रखे हुए इंग्रेडिएंट को लगातार चलाते जाता है। इस डिवाइस में 3 अलग अलग स्पीड मोड दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये है पॉप लाइट। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि पॉपकॉर्न लवर्स को काफ़ी पसंद आने वाली है। इसमें हॉट एयर की मदद से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले इस डिवाइस को खोलकर आपको इसमें पॉपकॉर्न भरना होगा और फिर इसे प्लग इन करना होगा। थोड़ी देर बाद जब इस डिवाइस में हॉट एयर बन जाती है तो पॉपकॉर्न ऑटोमेटिक ही उछल उछल कर बाहर आने लगते हैं। इस डिवाइस में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पॉपकॉर्न बनते हुए देखना होगा। यह है रोटी मेकर। जिन भी लोगों को रोटी बनाना नहीं आता है या फिर रोटी बनाने में जोर आता है उनके लिए ये रोटी मेकर काफ़ी काम की डिवाइस है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें गैस की कोई भी झंझट नहीं है। इसमें रोटी बनाने के लिए सबसे पहले इस डिवाइस को प्लग इन करके इसका स्विच ऑन कर दिया जाता है और इसे फुल टेम्परेचर पर सेट कर दिया जाता है। जब इसकी प्लेट पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो इस पर आटे की गोली को हल्का सा दबाकर रख दिया जाता है। फिर इस गोली को ऊपर वाली प्लेट से हल्का सा दबा दिया जाता है जिससे आटे की गोली फैलकर एक गोल रोटी बन जाती है। फिर इसे थोड़ी देर इसी तरह सिकने दिया जाता है।
रोटी पर जब छोटे छोटे बबल आने लगते हैं तो इसे पलट दिया जाता है। जब आपको लगे कि रोटी अच्छी तरह से सिक गई है तो इसे एक बार फिर से पलट दिया जाता है। अब रोटी धीरे धीरे फूलने लगती है और जब रोटी ना फूले तो इसके ऊपर वाली प्लेट से इसे ढक दिया जाता है, जिसके बाद रोटी अच्छी तरह से फूलकर खुद ही बाहर आ जाती है। इस तरह से आप काफ़ी आसानी से इस रोटी मेकर से रोटियां बना सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट में से जो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल हैं उनका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।